आज का युवा 10 से 12 दिन ही ब्रह्मचर्य का पालन क्यों कर पाता है और इसके बाद क्यों तोड़ देता है, इसका ब्रह्मचर्य नाश क्यों हो जाता है, इस बात को हम इस वीडियो में समझाएंगे और इससे कैसे बचना है ये भी बताएंगे। इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। होता क्या है, एक मनुष्य अपनी बुरी आदतों को लेकर परेशान हो जाता है, वह बुरे कामों को कर करके थक जाता है। इसके बाद नौजवान अपने आप में परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प लेता है और इसके अंदर सत्वगुण जागते हैं और वह अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का पूरा संकल्प भी लेता है। इस बार तो यह गलत काम हो गया है, लेकिन अगली बार यह गलत काम बिल्कुल नहीं करूंगा, ये भी सोचता है। संकल्प लेते ही नौजवान के अंदर शरीर में एक अलग सा परिवर्तन होने लगता है और इसके बाद वह एक ऊर्जावान होने लगता है, उसके अंदर एक उत्साह सा भरने लगता है। इसके बाद 5 दिन बीते, 10 दिन बीते, 12 दिन बीते, उसके बाद उसके संकल्प का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। तभी वह कुछ ऐसी चीज़ों को देखता है, जैसे मोबाइल में अश्लील चीज़ों को देखना या पढ़ना, सामने कुछ चीज़ों को देखना या कुछ गलत बातों को सुनना इत्यादि। ऐसी घटना होने पर कामदेव ने अपना प्रभाव उसके ऊपर दिखाया, तभी वो ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देता है। इससे बचने के लिए